सोचते थे कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़कर मेरे को सरकार में नौकरी मिलेगी। 26/12/2022 को मेरे ध्यान में जब ये मामला आया और हमने विजिलेंस जांच बिठाई और उस आधार पर पता लगा कि पिछले कई वर्षों से ये गोरख धंधा सोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में चल रहा, कितने युवा थे जिनको धोखा दिया गया, जो योग्य थे और जो योग्य नहीं थे वो पेपर लीक होने के बाद वो पेपर में सिलेक्ट हुए जाते थे। अभी भी कुछ FIR दर्ज हो रही है। हमने उन युवाओं को धोखे से बचाया जो पेपर बेचे जाते थे जिनको, और जो लोग नौकरी लग जाते थे, हमने सोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया और हमने सानन कमेटी रिपोर्ट बनाई और कहा कि पूरा पारदर्शिता से काम होना चाहिए। अब राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया और राज्य चयन आयोग का गठन करने के बाद उसमें चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट करके उसमें इंटरव्यू स्टार्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। 3-4 साल से ये दौर आपके पेपर जो सोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में होते थे वो सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थे। आज JIT के जो पेपर है, जो बच्चे बैठे हैं, वो 2020 का, मेरे समय का नहीं। हम तो समस्या का समाधान कर रहे हैं, हम हर चीज में समाधान करना चाह रहे हैं। हम कैबिनेट की सब कमेटी इसीलिए बनाई है कि 1 लाख कुछ लोग बैठे उसमें, सिलेक्ट हुए 1800-1900 के लगभग। अब उसमें से भी 10-12 लोगों को पेपर लीक करवाए गए हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। हम उनका भला चाहते हैं, कोई ओवर एज की बात नहीं। जहां हमें तो एक ही साल हुआ है, 1 साल में अगर कहीं हमारी जो नियुक्तियां होनी हो चल रही है, राज्य चाहे वो कब तक करेगा। मेरा मानना है कि जल्दी ही इस प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा, और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, पेपर भी कंप्यूटर ही सेट करेगा, सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इसको किया जाएगा।